दोस्तों आज मैं आपको केचुआ के बारे में कुछ रोचक जानकारियां दूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। केचुआ एक रोचक प्राणी है जो कि बारिश के दिनों में अक्सर देखने को मिल जाता है। ये प्राणी मिट्टी के नीचे बिल खोदकर रहा करते हैं। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुआ रात्रिचर प्राणी है जो केवल रात को ही बिल से बाहर निकलता है, दिन में ये बिल में ही रहते हैं। इसको मिट्टी की ऊपरी परत हटाकर निकाला जा सकता है। केचुआ की करीब 6500 से अधिक प्रजातियां पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। कुछ प्रजाति समुद्र में भी पाई जाती है, अधिकतर मिट्टी के नीचे होते हैं। ये लगभग जमीन से 1 से 2 फुट नीचे मिला करते हैं। ये मिट्टी में बिल खोदकर रहते हैं। केचुआ मिट्टी को खोदते समय उसको खाता भी है। इसके शरीर का आगे और पीछे का भाग नुकीला होता है जिससे मिट्टी खोदने में आसानी मिलती है। केचुआ बाइसेक्सुअल प्राणी होता है। इसके शरीर पर मादा और नर दोनों जननांग पाए जाते हैं, लेकिन प्रजनन के लिए अन्य केचुआ से इन्हें संबंध बनाने की जरूरत पड़ती है। केचुआ 1 घंटे तक संबंध बना सकता है। केचुआ के अंडों को कोकून कहा जाता है। इनके अंडों का आकार गेहूं के दानों से भी छोटा होता है। ये करीब एक बार में 15 से 20 अंडे देते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है केचुआ के शरीर में हड्डी नहीं होती है। शरीर का 90% भाग पानी होता है। केचुआ के आंख और कान नहीं होते हैं। इसका आशय यह है कि केचुआ सुन और देख नहीं सकता है। यह एक रेंगने वाला प्राणी है। केचुआ की गति आगे और पीछे दोनों तरफ हो सकती है। केचुआ के शरीर में 1 से अधिक दिल होते हैं। केचुआ का मुख्य भोजन पेड़ों की पत्तियां और मिट्टी होती है। केचुआ मिट्टी से जरूरत तत्वों का पाचन करके उसे मल त्याग में निकाल देता है। ये प्राणी अपने वजन के बराबर मिट्टी खा सकता है। केचुआ के मल से खाद तैयार की जाती है। इसकी खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व साधारण मिट्टी की तुलना में काफी अधिक होते हैं। केचुआ की त्वचा तेज धूप सहन नहीं कर पाती है। केचुआ प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। प्रकाश में अधिक समय तक रहने पर केचुआ मर सकता है। केचुए का खून इंसान की तरह लाल होता है। इसका खून ठंडा होता है। इनके शरीर में सांस लेने के लिए फेफड़े नहीं होते हैं, इसीलिए ये प्राणी शरीर की त्वचा से सांस लेते हैं। ये प्राणी लंबा और बेलनाकार होता है। केचुआ प्राणी की लंबाई 10 मिलीमीटर के आसपास होती है, लेकिन कुछ प्रजातियों की लंबाई 12 फुट तक हो सकती है। केचुआ को कई जानवर और पंछी खा जाते हैं। इनमें कुत्ते, बिल्ली, सांप जैसे जानवर आते हैं। अगर इसके जीवन काल के बारे में बात करें तो इसका जीवन काल करीब 1 से 2 साल का होता है। तो दोस्तों मैंने आपको केचुए के बारे में कुछ रोचक जानकारियां दी। तो इसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।